प्रिय मित्रों, आज मैं आपके सामने दो दृष्टिकोण को सामने रखूंगा, दो प्रकार के दृष्टिकोण जो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, विशेष करके जो विश्वासी हैं उनके प्रति, हमारे प्रति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके चेले हैं। लूका रचित सुसमाचार और उसका 16वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, यहाँ पर मैं आपके सामने 12 से 15 तक पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिए। और यदि तुम पराए धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे कौन देगा, उसे तुम्हें कौन देगा? कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। 14 पद, फरीसी जो लोभी थे ये बातें सुन करके उसे वो उन्होंने ठट्ठों में उड़ाने लगे। 15वां पद, उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जांचता है और जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट बहुत घृणित है। मेरे दोस्तों, जो संदर्भ इस प्रकार से है कि यहाँ जो फैरसी एक प्रकार का यहूदी जाति के ग्रुप के लोग थे, और सदुकीज भी, वो भी ऐसे यहूदी जाति के अलग किए हुए ग्रुप थे, उनका सिर्फ बाहर का दिखावा ज़्यादा उन्हें अच्छा लगता था। और कई बार हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस पर टिप्पणी किया और उन्होंने कहा कि तुम पुती हुई कब्र हो, जो बाहर से तो बहुत अच्छी लगती है लेकिन अंदर से सड़ाहट है। तो उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने इन लोगों के अंदर की बातें देखी कि उन लोग मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली बातें करते थे। सड़क में मिलते थे तो लोग उनको प्रणाम कहते थे, भाई ये बड़ा भारी याजक है, फैरिसी है, पढ़ने वाला है, तो वो उनको बहुत अच्छा लगता था जो फैरिसी थे। और कई बार प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कपटियों के समान भी कहा, कई बार उन्होंने सांप के बच्चों भी कहा, क्योंकि वो दिखाने के कुछ और अंदर से कुछ और थे। उन्हें शायद ये नहीं होता रहा कि परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं अंदर को देखता है। तो उसने इसी संदर्भ में, प्रभु यीशु मसीह ने इसी संदर्भ में ये बात कही कि 15वां पद में है जो हम पढ़ते हैं, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है। सुनिए, अब आप इन फ्रेज पर, इन बात पर ध्यान दीजिए। 15वां पद, लूका उसका 16वां और 15वां पद, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, डिटेस्टेबल है, बेकार है। तो आज मैं आपके सामने इसी बात को रखने वाला हूँ, और ये मुझसे और आप सभी ज़रूर बात करेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। पहले हम देखें कि मनुष्यों को क्या पसंद है, पर मनुष्यों की दृष्टि में क्या महान कहाया जाता है। अगर आप किसी भी चलते हुए व्यक्ति से पूछे, भाई आपकी दृष्टि में क्या महान होता है, तो उसका अपना उत्तर होगा। परचून की दुकान वाले से पूछे, भैया बोला पैसा ही है सब कुछ यार, अगर पैसा नहीं तो पेट की पूजा कैसे होगी, है ना। और अगर एक प्रेमी से पूछे, भाई कि आपकी दृष्टि में कौन महान है, तो बोले भैया मेरी प्रेमिका ही सबसे महान है। मतलब कहने का मतलब, जो मनुष्य सबसे ज़्यादा अपनी दृष्टि में महान समझता, वो क्या क्या चीज़ है। पहली बात जो मनुष्य देखता है कि बहुत अच्छा है, वो है आपका फीचर्स, हमारा फीचर्स, कितना सुंदर है हमारा रंग रूप, लोग यही देखते हैं। और उसी को और थोड़ा सा अच्छा करने के लिए हम अपने आप को और तंदुरुस्त रखते हैं, तरह तरह की गोलियाँ खाते हैं, तरह तरह के फेशियल करते हैं, और मेडिसिन लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और फेस कट वगैरह, लिपाई पोताई जिसे मैं कहता हूँ, वो करते हैं। क्यों?
क्योंकि यही लोगों को पसंद है, यही लोगों को पसंद है। लेकिन बात यह है साहब कि परमेश्वर की दृष्टि में तो घृणित है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे दोस्तों की सुंदर देखना खराब बात है, नहीं नहीं नहीं, अगर परमेश्वर ने आपको सुंदर बनाया है, अच्छा कलर दिया है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन ये कि भाई मेरी सुंदरता की वजह से मैं लोगों को आकर्षित करूँगा करूँगी, ये घृणित है परमेश्वर की दृष्टि में। क्योंकि क्या होगा, घमंड आ जाएगा, और घमंड तो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। सो मेरे दोस्तों, लोग क्या देखते हैं, अरे उसकी साड़ी कैसा, उसका कपड़ा कैसा, अरे कितना हैंडसम दिख रहा, अरे कितनी सुंदर है। लोगों को यही पसंद है, उनके लोगों की मनुष्यों की दृष्टि में यही महान है। आजकल हमारे दुनिया में क्या कॉन्सेप्ट चला है, मिस वर्ल्ड कॉन्सेप्ट। भाई साहब वर्ल्ड सुंदरी, दुनिया की सबसे सुंदर। अरे साहब अगर वो सुंदरी है तो दूसरे और जो लड़कियाँ क्या वो सुंदर नहीं है। देखिए ये सब हम मापदंड कौन करता है, ये मापदंड हम मानव जाति ने रखा है, और ये परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। मेरे दोस्तों, परमेश्वर ने जैसा आपको बनाया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, चाहे मनुष्यों की दृष्टि में वो सुंदर हो ना हो, परमेश्वर ने जो बनाया आपको वो सबसे सुंदर है। दूसरा और हम देखते हैं कि पैसा मनुष्यों की दृष्टि में क्या है, बहुत महान होता है पैसा। अगर आपके पास पैसा है, अरे साहब आपके दोस्त बहुत मिल जाएंगे। उड़ाऊ पुत्र के साथ तो ऐसे ही हुआ था ना, जब तक उसके पास पैसा था ढेर सारे दोस्त थे, और जब वो सब पैसा उड़ा चुका सब दोस्त निकल पड़े, कन्नी काट लिया। ये लोग मनुष्य इसको महान मानते हैं। अगर आपके पास पैसा है, दौलत है, हैं घर है, बड़ा सा घर है, मैंशन है, बड़ा घमंड सा आता है जब लोगों को हम अपने घर में बुलाते हैं और लोग देखते हैं, अरे वाह साहब वाह 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 वाह, ये तो बहुत अच्छा है, और हमें एक प्रकार का अंदर से वो घमंड सा जाता है, हाँ मेरी बड़ाई कर रहा, देखिए कितना अच्छा घर है। मेरे दोस्तों मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छा घर होना कोई पाप है, नहीं, अगर परमेश्वर ने आपको अच्छा घर दिया परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ आपके पास अगर गाड़ी कार और ये सब चीज़ें, धन्यवाद हो। लेकिन यही लोग ज़्यादातर देखते हैं, अगर आपके पास अच्छा लुक नहीं है, यदि आपके पास पैसा नहीं है, घर नहीं है, तो लोग आपसे ज़्यादा मिलेंगे नहीं। हेलो गुड मॉर्निंग, अच्छा भाई ठीक है, अच्छा जी चलो बस। लेकिन साहब अगर आपके धनवान हैं और बड़ा भारी बंगला है, कार है, तो लोग दो तीन बार रुक करके सलाम करेंगे, हैं विजिट करेंगे। जी हाँ, ये है मनुष्यों की दृष्टि में महान, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में तो ये निकम्मा और घृणित है। प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये घृणित है, क्योंकि परमेश्वर मन को जांचता है, बाहर की चीज़ों को नहीं। ये इसलिए लिखा हुआ ना 15वें पद में क्या लिखा, उसने उनसे कहा तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जांचता है, मन को जांचता है कि अंदर से आप हैं कौन। और मनुष्य और क्या, मनुष्य की दृष्टि में और क्या महान है, अरे साहब आपका ओहदा बड़ा जबरदस्त है, आप चेयरमैन हैं, या आप कलेक्टर के बेटे हैं, या आपका किसी मंत्री के साथ दोस्ती है, अरे वाह वाह वाह, लोग पूजा करेंगे आपकी। ये परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। जो मनुष्यों की दृष्टि में वो महान है, वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, डिग्रियां हैं, रेवरेंड बन गए साहब, डॉक्टर सो एन सो, आहा सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। मनुष्यों की दृष्टि में ये महान है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में ये घृणित है। क्यों, क्योंकि इससे घमंड आता है, घमंड, ऐसा घमंड जो दिखता नहीं जो फील करते हैं। मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वचन साफ और सटीक है, और वही मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ कि आप और हम असली में हैं कौन। डिग्री रखना कोई बुरी बात नहीं है, अरे साहब अच्छी बात है, अगर आपके पास डिग्री है, आप रेवरेंड हैं, डॉक्टर है, ये है वो है, अच्छी बात है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर परमेश्वर ने आपको अच्छा ओहदा दिया है, अच्छा स्टेटस दिया, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन ये सब परमेश्वर के लिए है। अगर अपने ही आप में बोले भैया मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, तब तो प्रॉब्लम है। ये
इस प्रकार का सोच, इस प्रकार की मानसिकता परमेश्वर के निकट घृणित है। तो ये सब चीजें अगर परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है तो उसे पसंद क्या है फिर? आइए हम उसको भी देख लें, वो क्या पसंद करता है, उसके लिए क्या महान है। और इसके लिए मैं आपके सबके लिए मैं एक पद पढ़ना मांगता हूँ जो बहुत अच्छा पद है, और वो पद यर्मयाह 17:10। यर्मयाह 17:10 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। देखिए साहब, यह है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर बाहरी रूप से नहीं देखता है, है ना। जब चुनाव होने वाला था एक अगुवे का, लीडर का, तो यशे के घर में गए, शामिल गया, और यशे के जो पुत्र थे उनको बुलाया। कोई बड़े अच्छे लंबे चौड़े थे, कोई ढील डॉल थे। परमेश्वर ने बोला नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं, कोई और बेटा है? हाँ एक है, दाऊद चरा रहा है बकरी, बुलाओ बुलाओ उसको बुलाओ। दाऊद को बुलाया जाता, परमेश्वर ने कहा ये है असली लीडर। क्योंकि मनुष्यों का देखना परमेश्वर का सा नहीं, मनुष्य बाहरी रूप से देखता है, मनुष्य और परमेश्वर अंदर से देखता है, आप कौन है, है ना। तो पहली बात हम देखते हैं कि परमेश्वर को वो भाता है जो हम अंदर से साफ सुथरे। अच्छा, कुछ चीजें हम देखेंगे परमेश्वर को क्या क्या भाता है। पहली बात, परमेश्वर को दीनता बहुत पसंद है, दीन वाला मन, नम्रता वाला मन, यही मन प्रभु यीशु मसीह का था, है ना। और हम पढ़ते फिलिपियों उसके दूसरे अध्याय में प्रभु यीशु मसीह की दीनता के बारे में, और वही बात परमेश्वर चाहता है कि आप और हम में हो। ये परमेश्वर को बहुत भाता है। जी हाँ, ये घृणा नहीं है, ये तो उसके लिए बड़े महिमा का कारण है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला पत्रस 3:4, पहला पत्रस 3:4, आप ध्यान से सुनिए परमेश्वर को क्या भाता है। लिखा हुआ है 3:4, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथने, सोने के गहने पहनने, तरह तरह के कपड़े पहनना, नहीं नहीं, ये इसमें परमेश्वर इंटरेस्टेड नहीं है। ये पहनो, लेकिन इस पर अपना टाइम, पैसा और मानसिकता खत्म मत करो। वरन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। हालेलुया, ये परमेश्वर को भाता है। जी हाँ, ये मनुष्य इसको नहीं देखते हैं अंदर को, बस वो बाहर का रुपया पैसा औहदा, कितना इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, बस ये देखते हैं। परमेश्वर अंदर के गुप्त मनुष्यत्व को देखता है कि अंदर से आप और मैं कौन है। नम्रता, दीनता की मानसिकता, मन की दीनता, आत्मिकता से सुसज्जित, आत्मा के फल से सुसज्जित रहना, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में ये बहुत मूल्यवान है, है ना। और तो हम ये बात ज़रूर, इस बात में हम आगे बढ़ेंगे कि परमेश्वर को ये भाता है। कई लोग सोचते हैं ना, कई लोग बहुत रिलीजियस हो जाते हैं, बहुत धार्मिक बन जाते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए ये करते वो करते हैं ना। हाँ, तो लोग बोलेंगे अरे वाह वाह वाह, बहुत, ये तो बहुत धार्मिक व्यक्ति, देखो कितना चंदा देता है, हैं, कितना चर्च में एक्टिव है। ये मनुष्य की दृष्टि में तो महान है, परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। क्योंकि मनुष्य बाहर से देखता है, परमेश्वर अंदर की बात करता है साहब, है ना। तुम्हारा छिपा हुआ मनुष्यत्व। फिर और क्या देखते हैं हम कि परमेश्वर को क्या भाता है? जेम्स, याकूब की पत्री, उसका दूसरा अध्याय, याकूब की पत्री दूसरा अध्याय और 5 पद, देखिए क्या लिखा हुआ है। हे मेरे भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में क्या हो जाए धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की जो उससे प्रेम रखते हैं?
आपको और मुझको क्या होना है? अपने मसीही विश्वास में धनी होना है, पैसों में धनी नहीं होना है। लोग तो धन को देखते हैं, हैं, दौलत को देखते हैं, घर को देखते हैं, मोटर गाड़ी को देखते हैं, लेकिन साहब परमेश्वर का वचन कहता है ये मनुष्य की दृष्टि में तो महान है, मेरी दृष्टि में बेकार है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो विश्वास में धनी है उसको बहुत प्यार करता है। हालेलुया, है ना? तो हम देखते हैं आपको और मुझको विश्वास में धनी हो रहा। एक और जगह पे हम देखते हैं हमें और किन बातों में धनी होना है। मैं पढ़ूंगा पहला तिमोथी 6:18, पहला तिमोथी 6:18, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पढ़ूंगा, और भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हों। आह, कितनी अच्छी बात लिखी परमेश्वर, कितना अच्छा लिखता है। यहाँ पर 17 और 18 में दोनों आपके लिए पढ़ूंगा। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे भाई कि वे अभिमानी मत हों और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, और भलाई करें और भले कामों में धनी बने, भले कामों में धनी ठहरें, उदार बने, सहायता करने में एकदम पहला हाथ आपका आना जाना चाहिए, हमारा जाना चाहिए, हमारे विश्वासी भाई बहनों की सहायता के लिए। ये परमेश्वर को भाता है। जी हाँ, अंदर की बात, हम अच्छे कामों में धनी बने। फिर परमेश्वर और क्या भाता है? परमेश्वर को ये भाता है कि हमारा मन एक पश्चतापी मन हो। भजन संहिता और उसका 51 अध्याय, आप जानते हैं 51 जो साम है वो एक पछतावा वाला मन है, पछतावा वाला। दाऊद ने वो पाप जब किया था और उसने जो पश्चाताप किया, अरे मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, ये ऐसा वाला मन परमेश्वर को भाता है। ओह, ये परमेश्वर को बहुत भाता है। और इसीलिए लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता, वो भी मैं दे देता, तो फिर प्रसन्न किससे होता? टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा हुआ मन, पश्चाताप वाला मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। और यही बात वो अपने परमेश्वर से बोलता है, हे परमेश्वर, मैं भजन संहिता 51 पढ़ रहा हूँ, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा अपराध निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है, मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ माता के घर में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही ज्ञान में सिखाएगा। तो मेरे दोस्तों, ये परमेश्वर को बात है, हर दिन आप परमेश्वर के सामने पश्चाताप का मन रखें। दूसरों के बारे में ना सोचें। कभी कभी मैं दूसरों के बारे में सोचता हूँ, मुझे नहीं सोचना, वो उनका, दूसरे लोग अपना वो देंगे फल परमेश्वर को, मुझे अपने बारे में सोचना है। मेरा पश्चतापी मन, रिपेंटेंट हार्ट, वो परमेश्वर को बहुत भाता है। जी हाँ, यही है ना, परमेश्वर को बहुत भाता है। मेरे दोस्तों, आप इसे भी देखें। एक जगह पे और लिखा हुआ, पहला शामिल उसका 15वां अध्याय, कहाँ चला गया, ये आ गया, 15 अध्याय और उसका 22 पद, क्या लिखा हुआ है? शामिल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेड़ों की चर्बी से उत्तम है। जी हाँ,
हम कितना परमेश्वर का वचन बोलते हैं, आप कितना परमेश्वर का वचन सुनते हैं, लेकिन ये सबसे भी ज्यादा वो है मेरे दोस्तों, परमेश्वर की बातों को मानना, जो वो कहता है उस पर चलना। नहीं तो वही बात हो गई जो याकूब कहता है कि जो व्यक्ति वचन को सुनकर उस पर नहीं चलता वह उस व्यक्ति के समान है जो अपना मुंह आईने में तो देखता है और जो गंदगी है उसको साफ नहीं करता, ऐसे चला जाता है। हम तो ऐसा नहीं करेंगे, जब हमारे चेहरे में गंदगी होगी तो हम साबुन से उसको साफ करेंगे। मेरे दोस्तों, उसी प्रकार से हम परमेश्वर के वचन को सुन करके उस पर चलने वाले बने, ये परमेश्वर को बहुत भाता है। फिर एक और चीज़ है जो परमेश्वर को बहुत भाता है, वो है हम पवित्र बने अपने विचारों में, अपने व्यवहारों में। पहला पत्रस उसका 15 और 16 पद, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 15 और 16 पद, यहाँ लिखा हुआ है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मैं का मतलब परमेश्वर यहोवा। इससे परमेश्वर खुश होता है, क्योंकि ये अंदर की बात है, बाहर का दिखाने का कोई मतलब नहीं। ये सब हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे विवेक में होता है। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों कि हम पवित्र बने। और एक और पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा कि हमारा चाल चलन परमेश्वर की दृष्टि में सही और सटीक हो। पहला इतिहास और उसका 29:17, पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और 17वां पद, देखिए वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है, सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित है, वह अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। परमेश्वर मन की सिधाई को देखता, उससे प्रसन्न रहता, धार्मिक बातों से, व्यवहारों से, जो हमारे अंदर जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें मिलता है, उससे परमेश्वर अति प्रसन्न रहता है। मेरे दोस्तों, आज हमने देखा कि किस प्रकार से जो मनुष्य की दृष्टि में महान कहलाता है, वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। मैं फिर से वो पद आपके लिए पढ़ूंगा, लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय और 15वां पद। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, दिखाने वाली बात करते हो, बाहर से कुछ अंदर से कुछ, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जांचता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है, जो भी मैंने जिसके बारे में बताया, गुड फीचर्स हो, पैसा हो, दौलत हो, औहदा हो, स्टेटस हो, डिग्री हो, एजुकेशन हो, इंटेलिजेंस हो, कितने भी धर्मी हम दिखाने के लिए करें, ये परमेश्वर, ये जो है ना, ये मनुष्य को बड़ा भाता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ये क्या है, घृणित है। और फिर हमने देखा कि क्या चीज़ें हैं जो परमेश्वर को बहुत प्रसन्न हैं, महान हैं। दीनता का मन, अच्छे कामों में रिच होना, धनवान बनना, विश्वास में धनवान बनना, पवित्र बनना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है? और हम उसके जो पश्चाताप वाला मन है, हर दिन हम परमेश्वर के सामने अपने आप को मान ले, एक ऐसा जीवन जो हमारे व्यवहारिक जीवन से दूसरे भी आशीषित पाएं और परमेश्वर भी इससे खुश रहे, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। आमीन।